हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग जो है स्मॉल लीग और प्लस ग्रैंड लीग एक ही मैच पे कैसे जीत सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसे चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। मैं आपको जो भी बताऊँगा वो उसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा, प्रूफ दिखा के आपसे बातें करूँगा। अगर आप फैंटेसी साइट खेलते हो या फिर फैंटेसी टीम अपने लिए बनाते हो और कुछ अच्छा विन करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो शायद आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि 10 मिनट की या फिर कुछ उस तरह की आसपास की जो है टाइमलाइन की वीडियो होगी। तो वीडियो में मैं कुछ 3 पॉइंट जो है आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो 3 पॉइंट आपको जो है मालामाल कर सकती है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही तो आगे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आपको वीडियो देखोगे तो आप अच्छा खासा विन कर सकते हो। और बात कर लेते हैं इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, बताने सुनने के बाद अप्लाई करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को जो है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको जो फैंटेसी साइट या फिर ड्रीम इलेवन पे बहुत ज़्यादा हारते हैं, तो उनको भी जो है शेयर कीजिए अगर आप शेयर कर पाते हो तो, या फिर शेयर नहीं करते तो सिर्फ आप वीडियो को लाइक ही कीजिए या फिर नीचे कमेंट कीजिए। आप जितना लाइक और कमेंट करोगे उतना लोगों तक जो है यूट्यूब वीडियो बताएगा और उन लोगों को बताएगा कि एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है जो कि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड है और बहुत सारी लोगों को जो है अच्छा खासा विन या फिर ग्रैंड लीग विन करा सकती है। इस वीडियो में वो पोटेंशियल है। तो बात कर लेते हैं 3 स्टेप के बारे में। तो पहले उन 3 में से पहला स्टेप है चूज वन प्लेयर एंड गिव ऑल। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल्स एग्जांपल के तरफ से। मैं आपको एक मेरी आईपीएल की फाइनल मैच में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ पे माई टीम 11 पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपको आईपीएल की फाइनल की मैच यहाँ पे दिखाता हूँ। चेन्नई वर्सेस मुंबई के साथ हुआ था फाइनल, राइट, चेन्नई वर्सेस मुंबई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हेड टू हेड खेला था, ठीक है, सॉरी 3 मेंबर खेला था यहाँ पे मैंने जीत चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रैंड लीग पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा टीम लगाया है। यहाँ पे ग्रैंड लीग पे आप देख सकते हो मैंने ग्रैंड लीग पे यहाँ पे आप देख सकते हो तो ग्रैंड लीग में मैंने लगभग ऑलमोस्ट विन कर लिया था। मेरा पॉइंट जो था वो था 508 पॉइंट था और जिन्होंने जीता था उनका पास था करीबन 40 पॉइंट मेरे पीछे थे। तो एक चीज़ जो आपको दिखानी है, तो पहली बात मैंने आपको क्या कहा था, आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों एक मैच पे जीत सकते हो। तो ये जो है मुंबई वर्सेस चेन्नई का फाइनल था, तो जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि चूज़ ऑन प्लेयर एंड गिव ऑल, तो मैंने किसको चूज़ किया था, मैंने 5 डिप्लेसिस और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो मैंने वॉटसन को चूज़ किया था। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मैं जो टीम दिखा रहा हूँ वो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 डिप्लेसिस को वाइस कैप्टन और वॉटसन को कैप्टन लिया था। और आप सारे के सारे टीम में देख लीजिए, वॉटसन कैप्टन, 5 डिप्लेसिस वाइस कैप्टन, वॉटसन 5 डिप्लेसिस, वॉटसन वाइस कैप्टन, 5 डिप्लेसिस कैप्टन, वॉटसन प्लेयर पे है, 5 डिप्लेसिस प्लेयर पे है, वॉटसन वाइस कैप्टन है, सेम वॉटसन वाइस कैप्टन, 5 डिप्लेसिस कैप्टन, 5 डिप्लेसिस प्लेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉटसन को लिया है या फिर नहीं ली 5 डिप्लेसिस को नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे के सारे जो है टीम में मैंने जो है वॉटसन और 5 डिप्लेसिस पे सारा का सारा कुछ दे चुका हूँ। ये आपने सिर्फ और सिर्फ 6 टीम देखा जो कि सेफ प्ले था। अब मैं आपको रेगुलर प्ले पे भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, रेगुलर प्ले पे भी मैंने यहाँ पे सेम आप देख सकते हो वॉटसन और 5 डिप्लेसिस, वॉटसन 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 5 डिप्लेसिस। तो सारे के सारे मैच पे मैंने एक प्लेयर को चूज़ किया जो प्लेयर मुझे लग रहा था उस दिन अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, और मैंने सब कुछ मैंने सारा का मैंने लगभग 12 टीम बनाया और 12 टीम में से लगभग 10 से 12 टीम में मैंने जो है उन दोनों को ही कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन मैंने किया था। तो अब आप आते हैं दूसरे पॉइंट पे।
तो आप अगर एक प्लेयर को चूज़ कर लेते हो तो क्या होता है, जब आप ग्रैंड लीग जीतते हो ना, आपका रैंक जो है वो नंबर वन के आसपास आने के चांसेस है। अगर आप अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप क्या हो सकता है, आप जो है 1000 पे आ सकते हो, आप जो है नंबर वन से लेके 100 तक कभी भी नहीं आ सकते अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, तो हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इन स्मॉल लीग डू नॉट पिक रिस्की प्लेयर। तो हमने बात कर ली अब ग्रैंड लीग की, अब बात कर लेते हैं हम स्मॉल लीग पे, स्मॉल लीग की। तो अब मैंने स्मॉल लीग पे यहाँ पे क्या ऐसा किया जो मैंने यहाँ पे जीत चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, मैंने वॉटसन और डुप्लेसिस पे रिस्क लिया था, और वॉटसन फैब डुप्लेसिस जो कि ज़्यादा अच्छे फॉर्म में था इसलिए मैंने उसे कैप्टन बनाया था, क्योंकि मुझे स्मॉल लीग में भी रिस्क नहीं लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग सारे प्लेयर मुझे यादव को नहीं लेना था, मैं मुझे रोहित शर्मा को नहीं लेना था, क्योंकि ये लोग जो है बड़े प्लेयर है और इनको अगर मिस करोगे तो आपको ओपोनेंट पे भी ज़रूर होगा, तो रन करेगा या फिर नहीं करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन ये प्लेयर जो है आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो आपके ओपोनेंट पे भी है, मेरे ओपोनेंट पे भी है, यहाँ पे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया वॉटसन, और यहाँ पे मुझे जो है लगभग वॉटसन और कुलान पर्दे ने जो स्मॉल लीग जिता दिया है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी जीत सकते हो, आपको बस एक या दो प्लेयर के ऊपर बिलीव करना है, उनके ऊपर बेट खेलना है, और स्मॉल लीग में आपको कभी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। वो चीज़ अगर सेम मैंने जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रैंड लीग में जो है अलग अलग ट्राई किया था, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पोलार्ड को भी लिया था, मैंने यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे जो है रिस्क ले लिया था, यहाँ पे मैंने धोनी को लेके जिन्होंने लगभग रनआउट हो गए थे, वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन सेम प्राइस के साथ मैंने किया हुआ था, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम में आप रिस्क ले सकते हो, जो मैंने इस मैच में किया हुआ है, और स्मॉल लीग में मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। तो मैंने स्मॉल लीग में मैंने विन किया हुआ है, और यहाँ से मैंने ग्रैंड लीग भी विन कर लिया है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया चूज़ इन ग्रैंड लीग चूज़ रिस्की प्लेयर केयरफुली, आपको जो रिस्की प्लेयर चूज़ करना है वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे मैंने यहाँ पे 2000 विनर, यहाँ पे आप देख चीज़ ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे विनर जो है 15000 है, और यहाँ पे मैंने जो मेरा फिफ्थ जो मैं सारे के सारे जो है यहाँ पे मैंने जो है मेरा रैंक जो है 2000 से ऊपर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे में मैंने मिनिमम जितना मैंने लगाया है उतना मुझे जो है या फिर उससे डबल जो है वापस भी मिल चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो वर्स्ट टीम था वो यहीं पे था, तो यहाँ पे मैंने जो है रिक्स भी जो लिया है वो मिनिमम रिक्स लिया है। आपको जो ग्रैंड लीग में जो रिक्स लेना है वो ही यहाँ पे आपके लिए एक फैक्टर काम करने वाली है। आपको ये नहीं सोचना है जैसे कि पोलार्ड, ज़्यादातर लोग ने पोलार्ड को नहीं लिया होगा, ठीक है, तो क्योंकि फाइनल में पोलार्ड चल गए थे, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको अगर रिक्स भी लेना है ना वो बहुत ही केयरफुली लेना है, आपको एक्यूरेट जो है प्लेयर पे रिस्क इन्वेस्ट करना है, और कभी कभी लक भी काम इस पर ज़रूर करती है। तो अब बात कर लेते हैं यूज़ डिफरेंट फैंटेसी साइट, तो अब बात कर लेते हैं दोनों तीन पॉइंट तो आपको शायद समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गया है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और जो थर्ड फोर्थ पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते, मुझे कमेंट पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ आप अलग अलग फैंटेसी साइड आपको खेलना ज़रूर चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हाला प्ले, ठीक है, आप अगर रेगुलर हाला प्ले ड्रीम इलेवन खेलते हो, कभी जीतते हो कभी हारते हो, लेकिन आपको अगर आप हाला प्ले खेलोगे तो इस पर जो है आपको नई तरीके से गेम को आप देख सकते हो, आप ड्रीम इलेवन की तरह गेम को देख रहे हो तो पहले अब जो आप इस यहाँ पे अगर खेलोगे तो आपको नई तरीके से गेम यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा कुछ विन भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अमाउंट भी कुछ खासा देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्स टीम भी आपको मिलता है। अगर आप रिवर्स टीम अगर बनाते हो रेगुलर बेसिस पे तो आपको जो ग्रैंड लीग विन करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। रिवर्स टीम वो होता है अगर जो प्लेयर आप रन कम या फिर विकेट कम लेगा, लोएस्ट अगर आपका टीम का पॉइंट होता है तो आप यहाँ से जीत सकते हो, तो समझ सकते हो आपको टीम कैसे बनाना है।
तो इस तरह के से अलग अलग फैंटेसी साइड और भी है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे माई टीम इलेवन पे जैसे मैंने विन किया है, तो माई टीम इलेवन भी खेल सकते हो, हाला प्ले और माई टीम इलेवन, और साथ ही साथ यहाँ पे आप एमपीएल भी खेल सकते हो। एमपीएल में भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, हाला प्ले में भी आपको साइनअप का जो है 50 रुपीज़ जो है लगभग मिल ही जाता है, तो उस 50 रुपीज़ से आप जो है ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला जो है सारी की सारी जो ग्रैंड लीग होती है, ये वाला भी आप ग्रैंड लीग जो है आप यहाँ पे जो 50 रुपीज़ जो साइनअप आपसे मिलेगा, नीचे लिंक पे क्लिक करके आपको बस रिफ़र कोड देना है, उसके बाद आपको जो ये 50 रुपीज़ मिल जाएगा, उसके बाद आप लीग ज्वाइन करके अच्छा खासा विन यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे ही आप जितना जितना अलग अलग फैंटेसी साइट खेलोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप अच्छा खासा विन कर सकते हो अगर आप अलग अलग साइट खेलते हो। तो नीचे सारी की सारी लिंक की जो ऐप्स की डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी, साथ ही साथ रिफ़र कोड भी होगी। रिफ़र कोड अगर आप नहीं दोगे तो आपको जो है रिफ़र बोनस जो है वो नहीं मिलेगा, और आप जो है शायद आप बिना रिफ़र कोड के आपको जो भी अगर आप रिफ़र कोड नहीं डालोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, तो आपको शायद पैसे ऐड करने की ज़रूरत हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रिफ़र कोड दो, अगर आपको किसी के अवेलेबल है तो आप उसका दो, अगर नहीं है तो आप नीचे मेरा रिफ़र कोड दे सकते हो, उससे आपको साइन अप बोनस मिलेगा और आप जो है फ्री में अच्छा खासा विन कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप रेगुलर चैनल की टीम्स की वीडियो अगर मेरे चैनल पे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।